सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है तो उसको प्रॉपरली अपडेट करें, क्योंकि वो जो वायरस है वो साथ में वैनिश होता जाए। हम नेट यूज करते हैं और नेट में वायरस का आना मतलब 110% है कि श्योर है कि वो आएगा ही आएगा, इसलिए अपडेट करें साथ साथ में। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगाएं, जो भी आपकी साइट है, आपकी मेल है, आपके सोशल अकाउंट्स हैं, उन पे पासवर्ड का यूज करें और पासवर्ड के साथ साथ प्राइवेसी लगाएं। और पासवर्ड को आपको चेंज करना है, मंथली करो या 2 महीने के बाद एक टाइम पीरियड सेट कर लो कि आपको इसके बाद आपका पासवर्ड चेंज करना है। और हमेशा आजकल आते हैं कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमें अगर हमने मेल कहीं ओपन किया, हमें फोन पे भी उसका रिवर्ट आएगी, हम वहां से भी यस करें, आपको हमेशा 2 फैक्टर्स लेने हैं। और कभी भी जो पब्लिक स्पॉट्स पे वाईफाई होते हैं, जैसे हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं, एयरपोर्ट्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां पे होता है ना फ्री वाईफाई अवेलेबल, तो उस चीज को कभी भी वहां पे यूज मत करो। पब्लिक साइट्स का कभी भी आपको चार्जर को यूज नहीं करना है, चार्जर्स भी वहां पे लगे होते हैं, हम अपने फोन पे लगाते हैं, वो होता क्या है USB, वो सारा आपका डाटा ही हैक हो जाता है। इन चीजों से बचना है आपको, कभी भी पब्लिक साइट का ना चार्जर को यूज करना, ना रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वहां पे चार्जर यूज करते हैं, वहां पे भी यूज नहीं करना है। और अपना भी जो आप अपना फोन पे जब वाईफाई लगाया आपने, किया आपने हॉटस्पॉट जो है यूज करके, उसके पे भी पासवर्ड लगाओ, अपनी सिक्योरिटी लगा के रखो, कभी भी अपनी सिक्योरिटी को ओपन नेटवर्क के लिए मत छोड़ो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अपना जो भी आपका डाटा है उसका बैकअप लेके रखो, फोन है, फोन में आपकी गूगल ड्राइव्स होती हैं, उस पे अपना जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है उस पे सेव रखें। और अगर लैपटॉप है तो आपके पास USBs होती हैं, हार्डवेयर डिस्क होती हैं, उस पे अपना डाटा सारा बैकअप लेके रखो, क्योंकि कभी जो वायरस जो होते हैं ना, वायरस एकदम से अटैक कर लेते हैं। और वायरस भी अलग अलग तरह का होता है, जब वो अटैक हुआ कई वायरस तो हो गया ना, हैक हो गया, आपकी इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर लिया, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं कि आपका जो डाटा है सारा वैनिश हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट डाटा है, आपके नोट्स हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन कंपनी की सारी रिपोर्ट्स हैं, वो सारी वैनिश हो जाती हैं। और अपना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी आपने फ़ोन पे नहीं रखी, और कभी अगर आपने फ़ोन पे यूज़ किया भी है तो उससे उसको सेव मत करें, उसके लिए भी सिक्योरिटी लगा के रखें। तो इस चीज़ के लिए आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को और अपने स्टाफ जो भी मेंबर्स हैं उनको साथ साथ में ट्रेन करें, तो यही चीज़ इस चीज़ों से बचने के लिए यही